रहता हूँ, इंडिया के वॉरेन बफेट से मिलो, इंडिया के वॉरेन बफेट। और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है? राकेश झुंझुनवाला। इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है इनको नहीं जानता, सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश झुंझुनवाला को हर कोई जानता होगा। नेटवर्थ कितनी है? 430 करोड़ डॉलर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किया इन्होंने? 1900, वैसे कहते हैं इन्होंने 5000 रुपए में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट तभी इन्होंने शुरू किया था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था? 43 रुपए का। वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया, एक शेयर 143 का। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे? 2.25 लाख। और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो जाए, कोई नहीं है सिवाय हवा हवाई के, है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो 2.25 लाख के 2.75 लाख रुपए कमाए थे, फिर उसके बाद वो रुके ही नहीं। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2002 और 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे, एक शेयर 3 रुपए का। टाइटन कंपनी का 2002 में एक शेयर 3 रुपए में मिल रहा था। आज भी शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं जो कि आपको पेनी शेयर 50 पैसे में भी शेयर मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए में आप 200 शेयर खरीद लोगे। लेकिन वो कंपनी में आपको विश्वास होना चाहिए कि वो बढ़ेगी क्या, मतलब 50 पैसे की 75 पैसे भी होगी तो आपका पैसा बढ़ गया। तो आपको रिस्क उठाना और उसके बारे में पता कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। बट सस्ते शेयर बहुत होते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि 100 रुपए में तो क्या ही आएगा। भाई साहब रुको, 100 रुपए में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके 1000 शेयर भी आ सकते हैं। आपको 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे के शेयर मिल जाएंगे कंपनियों के, 50 पैसे 25 पैसे के शेयर मिल जाएंगे, हैं, लेकिन रिस्की हैं। तो वहां पर पैसा गलत है, मतलब अगर आप रिस्की है, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। तो चलो इन्होंने क्या किया, अपने आप पे विश्वास रखा, 3 रुपए का एक शेयर टाइटन का, वो शेयर आज 1500 रुपए का हो गया। 2002-2003 की बात है, आज 2021 चल रही है, टाइटन कंपनी का शेयर जाके देख लो, 1500 रुपए का शेयर है। उन्होंने तब कितने खरीदे थे? 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे, 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे 3 रुपए का, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ 4.5 हजार करोड़ रुपए हो चुके हैं। और रिसेंटली इन्होंने 22 लाख शेयर उनमें से बेचे हैं, अभी रिसेंटली 22,70,000 शेयर बेचे हैं, और वो भी उन्होंने कितने रुपए बेचे? 344 करोड़ रुपए में बेचे। हिस्ट्रियां पकड़ो भाई साहब, पैसा देखोगे तभी समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं।